बहुत पुरानी बात है, एक बार एक पहाड़ पर बड़ी अजीब सी बात हुई। हंग नाम का एक नौजवान अपनी पत्नी येन के साथ रहता था। दोनों गरीब थे और उनके पास पहाड़ के सामने था एक छोटा सा घर और एक अमरक का पेड़ जिसके जरिए वो गुजर बसर करते थे। अमरक पकने का मौसम आ चुका था। अरे देखो ये क्या, इतना बड़ा काला कौवा। हे शू शू, मेरे पेड़ से चले जाओ चले जाओ। का, 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 मैंने कहा दूर हटो। मुझ पर पत्थर मारना बंद करो। तुम कैसे बोल सकते हो, तुम तो एक कौवे हो। फिर भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। इस पेड़ से हमारे घर का खर्चा चलता है। चलो एक सौदा करें, अगर आपने मुझे और मेरे साथियों को अमरक खाने दिए तो बदले में मैं आपको सोना दूंगा। क्या? विश्वास करो, मैं कल यहाँ आऊँगा, उसके बाद आप या आपके पति मेरे साथ थैला लेकर चल सकते हैं। ठीक है ठीक है। काले कौवे और उसके साथियों ने पेड़ पर लगे लगभग सारे अमरक खा लिए। ये सारी बात उस रात येन ने अपने पति हंग को बताई। अच्छा तो ये बात है, अगले दिन हंग और येन ने कौवों का इंतजार किया। तो मेरे साथ कौन चल रहा है? मेरे पति जाएंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, बैठिए मेरी पीठ पर। कौवा बादलों के बीच से उड़ते हुए एक पहाड़ी पर गुफा के अंदर पहुंचा। ठीक है मिस्टर हंग, आप यहां से जितना चाहे सोना ले सकते हैं। इतना सारा सोना? हंग जल्दी से अपने थैले को आधा भरकर कौवे के पास पहुंच गया। आपने अपना थैला आधा ही क्यों भरा है? इतना सोना मेरे लिए काफी रहना चाहिए, चलो अब घर वापस चलना चाहिए। हंग और येन ने अपनी रकम खेती में लगा दी और उससे खूब मुनाफा कमा लिया। वो कौवों को अमरक खिलाते रहे और हमेशा उनके शुक्रगुजार रहे। हंग की कामयाबी के किस्से उसके भाई डंग के कानों में पड़े। वो हंग से जलता था। नौकरों, मेरे पूरे बगीचे में अमरक के पेड़ लगाए जाएं ताकि कौवे फल खा सकें। डंग का कहा मानकर नौकरों ने चारों तरफ अमरक के पेड़ लगा दिए और बहुत जल्द वहां ढेर सारे कौवे आ गए और वो सब कुछ फिर से हुआ।
खुल गई। लालची डंग जितना हो सकता था उतना सोना अपने थैले में भरता गया, जब तक कि उसका थैला फटने को ना हो गया। चलो अब चलते हैं। इतना सारा सोना, आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा है? ये फैसला मैं करूंगा, समझे? चलो अब। कुछ देर के बाद बापरे, ये वजन बहुत ज्यादा है, इतना वजन लेकर मैं नहीं उड़ सकता। थोड़ा सोना फेंक दो। तुम्हें इसीलिए खिलाया था ताकि तुम उड़ सको। कौवा डगमगाने लगा और फिर डंग फिसल कर अपने सोने के साथ नीचे गिरा, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हंग एक संतोषी आदमी था, जिसकी वजह से वो और ज्यादा फल फूल सका। लेकिन डंग एक लालची आदमी था, जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो बच्चों, असली अमीर वो है जिसके मन में संतोष है। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा के संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।